मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने तय कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धुमका एवं ग्राम बेलगांव पहुंचे और लोगों से रूबरू होकर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धुमका को नगर पंचायत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसी तरह ग्राम बघेरा सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा की। वहीं बेलगांव में 5 साल बाद पहुंचने पर आम जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पद यात्रा में बेलगांव के लोग मेरे साथ मेरे गांव तक गए थे, आज मैं आपके गांव फिर आया हूं। ग्राम धुमका में इस मौके पर उन्होंने 46 करोड़ 56 लाख और 44,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। कराया के भी घोषणा करा था और सुतरा पार जलाशय के निर्माण कराया जाए तेकरो घोषणा करा था। मुढ़ी पार में पुलिस चौकी की स्थापना की जाए तेकरो घोषणा करा था। तुम यह मांगा था रिपा मांगा था पुलिस चौकी दिया था है ना। और हाई स्कूल गालाघाट एम धोतिया में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में उन्नयन कराया जाए तेकर घोषणा। और हायर सेकेंडरी स्कूल टोला गांव जो हाई स्कूल भवन में संचालित है उसके लिए 2 अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कराया जाएगा अगर घोषणा। और ठेलका डी के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 2 अतिरिक्त कमरा बनाए जाए। और एक जो नाम हेलीकॉप्टर उतारे हैं कौन नाम है मारी तरह में हाई स्कूल बिल्डिंग की मांग करे थे घोषणा करा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ भी पार्टी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी घोषणाएं भी हुई। विधायक जी ने जो डिमांड की चाहे नगर पंचायत घूमकर को नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा किया उसे हम लोग स्वीकृत किया।